औरंगाबाद के एसपी दीपक बर्नावाल के आदेश पर बारून थाना के थानाध्यक्ष बीरेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इंत्री माफिया से सांठगांठ, भया दोहन तथा पैसे की अवैध उगाही का आरोप लगा है। एसपी ने बताया कि थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी कैमूर में गिरफ्तार इंत्री माफिया गिरोह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हुआ है। उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष ने एक ट्रक को काफी दिनों से पकड़ रखा था, मगर उसकी एंट्री रिकॉर्ड में नहीं की थी ताकि ट्रक मालिक से पैसों की वसूली की जा सके। ट्रक मालिक की सूचना के बाद जब मामले की छानबीन की गई, तब आरोप सही साबित हुआ, जिसके बाद थानाध्यक्ष को पहले सस्पेंड किया गया और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि मामला कैमूर जिले से जुड़ा है, ऐसे में गिरफ्तार थानाध्यक्ष को कैमूर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी सभी पुलिस कर्मियों के लिए एक सबक है कि वे अपनी पुलिसिंग पर ध्यान दें, न कि अनर्गल कार्यों में। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर थानाध्यक्ष की बर्खास्तगी की अनुशंसा किए जाने की बात भी कही। एक गैंग जो एंट्री माफिया गैंग जो होते हैं, उसका डिटेक्शन वहाँ पे कैमूर में हुआ है। उसमें जो है बारून थाना भारी जो औरंगाबाद में, पूर्व में मोहनिया में और चैनपुर में कैमूर जिला में पोस्टेड थे, इनकी भी उन अपराधियों से साठगांठ है। और यहाँ पर एक ट्रक जो है बारून में पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, खाली ट्रक है, नंबर उनका कहना है कि चोरी का ट्रक के नाम पर उनको सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने पकड़ा था। उस ट्रक की कोई एंट्री स्टेशन डायरी एंट्री पकड़ने के दिन नहीं की गई, कहीं कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया, ना तो डीएसपी को सूचना दी गई, ना हमको दी गई, ना किसी सीआई को दी गई। ट्रक रखा हुआ है, जो स्टेशन डायरी एंट्री उन्होंने ट्रक के संबंध में की गई है वो भी फोर्ज लग रही है। वहाँ पर जो कैमूर में केस हुआ है, उसमें जो अपराधी पकड़ाए गए, उनके स्वीकारोक्ति बयान में इनका नाम आया है कि इनकी मदद से धन उगाही वो करने के लिए ट्रक को पकड़े हुए थे। उसमें इनको थाना प्रभारी बारून को निलंबित भी किया गया है और उनको गिरफ्तार करके कैमूर पुलिस को हम लोग सौंप रहे हैं। वो लोग अपना पूछताछ करेंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन उनके आएगा उसके आधार पर लोग आगे कार्रवाई करेंगे। डीएसपी सदर उसने जो रिपोर्ट दी है उनको प्रॉपर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाने के लिए 24 घंटे में समय दिया गया और रिपोर्ट देंगे, जिसके आधार पर प्रोसीडिंग करके हम लोग निश्चित रूप से पाए गए साक्ष्यों के आधार पर प्रयास करेंगे कि बर्खास्तगी तक इस मामले को ले जाएं। और ये पूरा मैसेज सभी पुलिस कर्मियों के लिए है कि अपराध नियंत्रण पर ध्यान दें, जनता की सुरक्षा पर ध्यान दें। इस तरह की गतिविधि अगर पाई गई तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी कार्रवाई हम लोग करेंगे अपने स्तर से।